फ्रेंड्स जो हैं बहुत क्यूट होते हैं। अच्छा फेसबुक का मुझे बताइए, कभी इस तरह की कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और समथिंग? फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थिंक फैंस के लिए, देखें फैंस का प्यार इतना जरूरी भी है ये जो क्रेज होता है, क्योंकि अगर ये ना हो देन नहीं यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट लव. फैंस यस दे अप्रोच यू एवरीवेयर एंड दे चेज यू एनीवेयर एंड सिर्फ डिप्लोमेटिक करेंगे, ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. कुछ बहुत खतरनाक फैंस भी होते हैं. दो साल पहले मेरा फेसबुक किसी ने आईडी हैक कर लिया, फिर मुझे वो कॉल्स करता था, मैसेजेस करता था, और पता नहीं वो कैसे पता उसको चल जाता था कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ. तो उसके बाद से मैं फेसबुक से भी मैंने अपना डीएक्टिवेट कर दिया. सो यू डोंट हैव अ फेसबुक अकाउंट एनीमोर? नो 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 शी डजंट. ठीक है, हम वही मानते हैं जो आप यहाँ पर हमें बताया. अ फैन वुड ऑलवेज सेंड मी अ मैसेज, तो मैं कभी खोलता नहीं था. अच्छा, तो अब तो मैसेजेस पे या नहीं, बी इट इनबॉक्स, बी इट इंस्टाग्राम, व्हाटएवर, तो वो कभी खोलता नहीं था. तो अब मैंने एक दिन गलती से वो सामने नोटिफिकेशन थी, जैसे मैंने अनलॉक किया तो वो मैसेज खुद खुल गया. तो वहाँ पे अब आ जाता है सीन. तो आई डिड नॉट रिप्लाई, मैंने बंद कर दिया थोड़ी देर बाद. देन आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस, अ लॉट ऑफ मैसेजेस, एंड आई पता चल गया कि देख रहे हैं. तो अब वो क्योंकि एक दफा खुल चुका था, तो जितनी दफा मैं अपना फोन अनलॉक करता था वो खुल जाता था और वहां पे सीन लिखा हुआ आता था. एट द एंड दैट गर्ल शी रोट माय नेम विद समथिंग, आई डोंट नो व्हाट, एंड केचप केचप, हां ठीक ठीक केचप, हां whatever that was, but it was not appreciated. Number one, I did not appreciate that, but that really mujhe bahut dara diya tha us. Please aisa na kijiye, hum chahte hain ki fans zinda rahe aur hame hamesha pyar karte rahe, sehatmand rahe aur apna khayal milte rahe hamare liye. Bilkul bilkul. Acha, what about rishte wali aunties, unka kya attitude change hua? Abhi bhi aate hain rishte? Rishte matlab रिश्ते नहीं आते, शादी पे चले जाओ, खूबसूरत लग रहे हो. तो सिलसिला आपको पता है चलता ही रहता है. कभी कभी अच्छा चलता ही रहता है. कोई रीसेंट शादी पे फैमिली में, तो जब छोटी होती थी तो बहुत सारे खाला सबने अम्मा को कहा था कि हाँ जब हमारा जरूर सोचना, हमारा जरूर सोचना. सोचा अम्मा ने? नहीं अभी तक तो नहीं सोचा. अब अम्मा तो नहीं सोचेंगी, अब तो मुझे लगता है ये खुद ही सोचेंगी. नहीं क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी अम्मा जहाँ कहेंगी मैं वहाँ शादी करूँगी. माशाल्लाह, ऐसा ही होना चाहिए. बिल्कुल ऐसा. आपकी आपके क्या इरादा, आप भी अपनी अम्मा पे छोड़ रहे हैं? जी जहाँ अम्मा कहेंगी. बस ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अगर मुझे भी कोई पसंद आ जाएगी तो मैं अम्मा को बता दूंगा. बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. अच्छा जी, हार्ड एंड फास्ट रूल इसलिए नहीं है कि अम्मा को भी अगर वही पसंद आएगी तो ठीक है, ना पसंद आई तो फिर अम्मा की नहीं सुनी जाएगी. नहीं नहीं, अम्मा की अम्मा को मनाया जाएगा. अम्मा ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी सुनी ना जाए, क्योंकि शी इज द बॉस. शी इज द बॉस, आई लव दैट. बिल्कुल अम्मा को ही हमेशा बॉस होना चाहिए. मैं बस एक एक्टिविटी आपके लिए, ठीक है, जिसमें कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, और वो जो है आपको कोई गिफ्ट्स भेज रहे हैं, ठीक है, तो सर्टेन गिफ्ट्स फ्रॉम सर्टेन सेलिब्रिटीज, और आपने मुझे बताना है कि वो आप एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी, तो क्यों नहीं करेंगी. अच्छा सर, ठीक है, चलिए जी. अच्छा जी, ये पहले जो है हम एक्टिविटी कर रहे हैं फिरोज के लिए, ठीक है, तो खवातीन से ऑब्वियसली गिफ्ट जो है वो फिरोज को आ रहे हैं. इन्होंने आपको भेजी है ग्लासेस. ग्लासेस भेजी है? हाँ. I would accept it. You'd accept it. Thinking why? Thinking why? Because it's Atika Appa. Is Atika Appa. Number one. I think it's and आपकी स्टाइल स्टेटमेंट को इम्प्रूव करना चाह रही हैं. बिल्कुल. अच्छा जी, ठीक है, नेक्स्ट दिखाइए. आयजा खान ने आपको एक खाली एनवेलप भेजा है. मैं एक्सेप्ट कर लूंगा. थिंकिंग व्हाट? बिकॉज़ शी इज द स्वीटेस्ट गर्ल आई हैव मेट. बहुत अच्छी, बहुत शी इज वेरी नाइस. अच्छा, या रियली लाइक हर. तो कुछ भी ठीक है, तो आयजा को भी गिफ्ट भेज दे, एक्सेप्ट कर. आयजा हां, खाली एनवेलप भेज देगी, आई एक्सेप्ट इट. ठीक है, उसमें कुछ डाल के वापस तो नहीं भेजेंगे? पता नहीं, उसकी बेटी की बर्थडे पे शायद. बेटी की बर्थडे पे, वेरी नाइस वेरी नाइस. आपको इतनी नींद नहीं आई हुई जितना मुझे लग रहा था. मेरा अर्शद ने आपको भेजा है एक लंच की ऑफर. लंच की ऑफर, थैंक यू मेरा. एंड लंच आई थिंक आई विल बी बिजी. यू विल पोलाइटली डिक्लाइन? आई विल पोलाइटली डिक्लाइन, बिकॉज़ ए to go on a lunch, I think you need to know the person. Acha. Yeah, I don't know her personally. Acha. Yeah. Uh-huh. And I think that's it. That's it. Just because आप जानते हैं, उन्होंने आपको lunch की offer भेजी है. उसके बाद वो गाना गाएंगी ना? मैंने बोल दी. Oh, मैंने बोल दी. मैंने बोल दी. लोगों मैंने बोल दी मेरे.
मेरा यार भी नहीं बोलता क्योंकि लंच में ही नहीं आया. ठीक है, अच्छा अगला है हमारे पास, मुझे तो दूर से नहीं, मथीरा. इनको भेज गुलाब जामुन भेज. गुलाब जामुन गुलाब जामुन नहीं, क्या भेजा है? ठीक है जी, ओके आई विल नॉट रिपीट दैट, थैंक यू. अच्छा जी, अगला है हमारे पास नादिया हुसैन ने आपको भेजा है एक फोटो फ्रेम. थैंक यू, आई विल एक्सेप्ट दैट. जी, क्या लगाया जाएगा उस फोटो फ्रेम में? प्रॉब्ली मेरी फिल्म का टाइटल या पोस्टर, कुछ भी. अपनी फिल्म का टाइटल, सो फुल ऑफ योरसेल्फ है. एग्जैक्टली, एंड आई थिंक इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर, यू नो, जहां पे हर फ्रेम में जो है एवरीथिंग नीड्स टू बी अबाउट जिंदगी कितनी हसीन है. बिल्कुल ठीक है जी, अगला दिखाइए. रीमा साहब, क्या गिफ्ट लेना चाहेंगे? ये हमने ब्लैंक छोड़ा है. सचिन, आप इसके अंदर कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं. नॉट सी प्रॉपर्ली, एक तो शेड्स है, दूसरा नहीं. आप उसके अलावा हमें कुछ बताइए ना, मुझे उसमें से कुछ ऑफर पसंद नहीं आ रही. आई थिंक रीमा से मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए. रीमा जी, मुझे अपनी प्रेजेंस से नवाज दें. प्रेजेंस से नवाज दें, आई थिंक दैट वुड बी इनफ. अच्छा जी, क्या बात है भाई. ठीक है सचिन, दिखाइए प्लीज. सबसे पहले हैं जी अली जफर, जिन्होंने आपको बुलाया है एक डिनर पे. सोचना नहीं है ना इतना. अली जफर, नॉट अ बैड ऑफर. आई थिंक मैं नहीं जाऊंगी. क्यों नहीं? मतलब डिनर पे बंदा जाता है, थोड़ा कंफर्टेबल होता है, इज मैरिड तो. किसी के साथ खाना नहीं खा सकते? नहीं, मैं नहीं खाऊंगी. अली भाई के साथ मेंटल, इफ यू सी मी हैविंग डिनर विद एनी पर्सन, आई थिंक मैं अली भाई के साथ. अली भाई के साथ मैं डेट पे जा सकता हूं? श्योर श्योर, ओनली इफ सजल ट्रांसफर्स दैट ऑफर टू यू. ही इज रियली चिल. जाना चाहिए डिनर पे जानने पहचानने के लिए. नहीं, मेरे ख्याल से मैं नहीं जाऊंगी. मैं नहीं जाना. मैं नहीं जाना. अगला दिखाइए जी. आमिर लियाकत ने आपको भेजी है जी. यहाँ पे ना ऑप्शंस जो आपके पास है, मैं क्या ही बताऊँ आपको. एक गाड़ी. गाड़ी क्या करूंगी मैं उस गाड़ी? गिफ्ट किया ना, डू एक्सेप्ट इट? कभी भी नहीं. क्यों? मैं इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स नहीं एक्सेप्ट करती. मतलब ये आमिर लियाकत साहब से नहीं एक्सेप्ट करती है वैसे? क्यों करूं मैं उनसे? क्यों करूं? हाँ, जब ये वजह दुआ दे दे मैं एक्सेप्ट करूंगी. आमिर भाई की दुआएं चाहिए. क्या लगता है क्यों भेजी होगी? पता नहीं, शो पे बुलाने के लिए शायद मैं जा नहीं रही होंगी. शो पे मना कर दिया और उन्होंने कहा कि सजल प्लीज आ जाओ. गाड़ी ले लो बेशक, लेकिन हाँ आ जाओ ऐसे. अगला दिखाइए जी जल्दी से. फहद मुस्तफा ने आपको भेजा है. वो एक तो यहाँ पे ना सिंगल लड़के डालने चाहिए थे इनको. ठहरिए, मैं चेंज कर दूंगी. मैं चेंज कर दूंगी. एनीवे, इन्होंने आपको भेजा है एक मोबाइल. डू यू एक्सेप्ट इट? मोबाइल? मोबाइल क्यों भेज दिया आपने? तो चलो, बहुत सोच विचार में आखिरी चीज में पूछ रहा हूँ. हमजा अली बासी की शादी नहीं हुई ना? नहीं हुई ना. अच्छा, उन्होंने आपको एक मैरिज प्रपोजल भेजा. डू यू एक्सेप्ट इट? आई वोंट. यू विल नॉट? क्योंकि वो फैसला तो हमने अम्मा पे छोड़ दी. वो तो अम्मा पे छोड़ दिया. फैसला तो हमने अम्मा पे छोड़ दिया. ऐसा ही है. टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. मॉर्निंग, बहुत ही खूबसूरत से आपने गाने देखे. इसी मूवी के प्रोड्यूसर रफीक अहमद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? गुड, थैंक यू. यू मस्ट बी सो प्राउड ट्रेलर देख रहे. वेरी वेरी प्राउड, माशाल्लाह. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. अच्छा 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 अच्छा, तो हमने इनको बहुत कह दिया. मुझे बताइए, इन दोनों में ज्यादा टफ टाइम आपको किसने दिया? किस हवाले से टफ टाइम? टाइम पे ना आना, शूट में नखरे करना, बहुत ज्यादा शॉट्स लेनी पड़ती हूँ, यही होता है ना टफ टाइम? टफ टाइम ये दे रहे थे मुझे, इन दोनों में से अच्छी एक्टिंग कौन कर रहा है. अच्छा, मुझे ये बताने में ज़्यादा टफ लगता था कि किसकी एक्टिंग किसकी बेहतर है. चलें आज बता दें, आज फैसला हो जाए. नहीं, अभी तक नहीं फैसला कर पाया कि किसने अच्छी एक्टिंग की है. दोनों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टिंग की. आप देख ही रहे हैं उसमें. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप लोगों ने जिस तरह काम किया है. शेर डेडिकेशन फिरोज की, एक सीन में इतने गुम थे भाई साहब.
कि उठते हुए इन्होंने देखा नहीं और इनका सर लगा किसी चीज में. एंड ही वाज रियली काफी ही वाज हर्ट. बैडली हर्ट. अच्छा, व्हाई व्हाट हैपेंड? टेल मी मोर अबाउट. वो होती है ना क्रेन जिस पे मूव करता है कैमरा. हां हां हां. तो वो बिल्कुल मेरे पीछे सर के इधर था. अच्छा. एंड आई वाज सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑन द सीन. तो फिर मैं वहां से खड़ा होता हूं और जैसे ही मैं खड़ा हुआ एंड इट जस्ट वेंट टंग बहुत जोर से. व्हाट थी ना कोई वो बहुत बहुत जोर से वो वेट्स होते हैं ना स्टील की प्लेट्स होती हैं वो रखी हुई थी.